हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए छोटी मछली की रेसिपी। इसमें बहुत सारी मछली मिली हुई है। इसमें झींगा है, पोपता है और गुर्रा है और क्या कहते हैं पलुआ है। इसे नाम हमारे यहाँ बुलाया जाता है इन्हें। आपकी तरफ इन मछलियों को किन नामों से बुलाया जाता है प्लीज़ कमेंट्स में बताएँ। हमारे यहाँ इन मछलियों को अलग अलग नाम है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे झींगा के बच्चे हैं और सभी मछलियाँ मिली हुई हैं। तो आइए आज हम बनाते हैं मिलकर छोटी मछली की रेसिपी। इसके लिए हमें इसे अच्छी तरह से पहले साफ़ करना है, जिसके लिए मैंने जो है यहाँ पे लिए हुए हैं, इसे छाई कहते हैं, जिसे आप पेपर जला करके जमा कर सकते हैं या फिर आप हल्दी का भी इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक दो मछलियाँ यहाँ बनाई हुई हैं। इस तरह से आपको साफ़ करना है इसे, इसके अंदर के सारे जो हैं गंदगी बोले या उसके अंदर के जो मटेरियल्स हैं उसे निकाल लेना है। और इस तरह से मैं पूरी मछलियों को साफ़ करूँगी। व्यूअर्स, आप तो जानते हैं इंडिया बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छा देश है। यहाँ हर 10 किलोमीटर की दूरी पर भाषाएं और चीज़ों के नाम बदल जाते हैं। तो आपके यहाँ इन मछलियों को किस नामों से बुलाया जाता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आइए पहले मछलियों की करते हैं सफाई और फिर बनाते हैं छोटी मछली की रेसिपी। तो व्यूअर्स, हमने मछलियों को अच्छी तरह से बनाकर साफ़ कर लिया है। इसे पानी से भी अच्छी तरह से धुल लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल चकाचक हो चुकी है हमारी मछली साफ़ होकर। अब बारी है मसालों की। तो मसालों में हमें चाहिए, ये मैंने 4 पीस बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 पीस टमाटर, 1 लहसुन और 4 से 5 हरी मिर्च। इन सभी को मैं मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट बनाऊँगी और फिर बनाएंगे छोटी मछली की टेस्टी रेसिपी। तो व्यूअर्स, सारी तैयारियां हो चुकी है अच्छी तरह से। मछली साफ़ हो चुका है, मसाले पिस चुके हैं। मैंने कढ़ाई पहले से गैस पे चढ़ा रखी थी गर्म होने के लिए। अब बारी है रेसिपी को शुरू करने की, जिसमें हम सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे अपना मस्टर्ड ऑयल। मैंने 3 चम्मच भर भर कर इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें डालेंगे अपने पिसे हुए मसाले जो हमने यहाँ पीस कर रखे हुए हैं, और कुछ टेस्ट के लिए जैसे लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। तो हमारा तेल गर्म हो रहा है। व्यूअर्स, हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब बारी आती है इसमें अपने पिसे हुए मसालों को डालने की। मैंने मसालों को अच्छी तरह से पेस्ट नहीं बनाया, इसमें जो है मसाला थोड़ा सा कुचा रह जाता है तो ज़्यादा टेस्टी होता है, जो मछली के साइज़ का दिखता है और मछली इसमें अच्छे से पकती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो आइए अब बारी है मसालों को डालने की। ध्यान रहे आप जब मसाला डाल रहे हैं तो गैस का फ्लेम लो हो, ताकि हमारा मसाला जो है वो जले नहीं। इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे पानी। अब इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं डाल रही हूँ 1/2 चम्मच। हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, मैंने इसमें हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल दिया है। अब इसे हमें हाई फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक चला चला कर फ्राई करना है, तब तक जब तक मसाले अच्छी तरह से भून ना जाए, तेल मसालों से अलग ना हो जाए। व्यूअर्स, आप अगर चाहे तो छोटी मछलियों को मसाले के साथ भी डाल के पका सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि जब तक मसाला पकेगा मछली भी पक जाएगी, लेकिन उससे मुझे बहुत प्यारा कलर नहीं मिलता, तो मैं मसाला भूनकर मछलियों को डालती हूँ। तो मैं इसे हाई फ्लेम में अच्छी तरह से फ्राई करती हूँ। व्यूअर्स, हमारा जो मसाला था वो अच्छी तरह से भून चुका है और ये तेल भी छोड़ चुका है। अब बारी है इसमें अपनी मछलियों को ऐड करने की। ये जो मैंने मछली साफ़ करके रखे हुए थे अब मैं इसमें वो डालूँगी। 20 से 25 मिनट की ये रेसिपी है व्यूअर्स, आप लोग इसे ज़रूर अपने घर पे ट्राई करें। ये मछलियाँ हमारी तरफ बारिश के मौसम में मिलती है,
अगर आप सोचें तो ये भी एक सीजनल डिश है, क्योंकि बारिश के मौसम में ही आपको इस तरह की मछली मिलेगी, तो आप इसे बारिश में ही बना के खा सकते हैं। तो आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अब जब मैंने इसमें मछली डाल दी है तो अब मैं इसे 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे हल्के हाथों से फ्राई करूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बीच बीच में अच्छी तरह से इसे पकाऊँगी। इसे ढकना नहीं है वरना ये मछली जो है टूट जाएंगी पकने से पहले, और इसे चलाना भी है हल्के हाथों से। व्यूअर्स, हमारी जो है मछली वो अच्छी तरह से पक्के हो चुकी है तैयार। आप देख सकते हो कितना प्यारा सा कलर आया है हमारी छोटी मछली की इस रेसिपी में। ये डिश वाकई में बहुत टेस्टी होती है, आप लोग बनाएं ज़रूर से और ट्राई करें। ये मछली भी हमें सिर्फ बारिश के सीज़न में ही अच्छी मात्रा में मिलती है, तो मैंने इसे हल्के हाथों से चलाया था, या फिर आप इस तरह से साइड से कपड़े से पकड़ के भी हिला हिला के चला सकते हैं। आप इसे ज़्यादा फोर्सफुली चलाएंगे तो ये टूट जाएगी। तो अब बारी है इसे निकालने की प्लेट में, क्योंकि ये बन चुकी है अच्छी तरह से, पक्के हो चुकी है तैयार। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने एक साथ मिलके कितनी टेस्टी सी मछली पकाई है, हमारे मछली में कितना अच्छा सा कलर आया है, ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। आप लोग अपने घर में ज़रूर इसी रेसिपी को ट्राई करें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो और पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो करें और इस डिश को ज़रूर ट्राई करें। बाय।